Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. We have done 100 episodes. Now on to 1,000. आई थिंक आई एम सुपर लकी. व्हेन आई स्टार्टेड द शो मुझे ये बोला गया था कि आई हैड टू प्ले द फादर, उमेद सिंह का नाम कैरेक्टर प्ले करना था मुझे, जिसके बच्चे हैं शिवराज और रसाल. अब 2 महीने का ट्रैक था जहाँ पे उमेद की डेथ होती है, चकोरी किल्स हिम फॉर प्रॉपर्टी एंड शिवराज ग्रोज अप टू टेक बदला. इनिशियली आई वॉज नॉट सपोज टू प्ले शिवराज. शिवराज वॉज सपोज टू बी अ न्यू एक्टर, डिफरेंट एक्टर. दे वॉन्टेड अ मच यंगर बॉय हुज 25, 24 व्हाटएवर. But I think Umed Pratap Singh, the character that I played, it did so well. Audience ko itna pasand aaya that the channel wanted to retain the face value of that character. And then they gave me a task. They said ki we want you to play Shivraj. But Umed is Umed. He is you, 34-year-old. But Shivraj is somebody who's 26, 27 maybe maximum. So you have to do a transformation now. So I told them give me a month. And in that 1 month, मैंने around 7-8 kgs lose किया. I built a lot of muscle. I changed my look. I changed my hairstyle. I changed my everything mostly. And here I am playing Shivraj now. No, it's a good feeling. We've touched 100 episodes. It's amazing. मतलब मैं क्या बताऊँ? अभी तो आप लोग questions पूछ रहे हो, लेकिन जब शाम को मैं party होगी ना, तब मेरा असली रूप देखना, मैं कितनी खुश हूँ. Excitement मतलब मैं थोड़ा nervous feel करता हूँ ऐसे moments पे. मुझे लगता है कि अब ये एक milestone हो गया. अब next क्या? You know, and now we have to go even stronger. अब ये 100 हो गया, अब 200 पे जाना है और number 1 होके ही जाना है. तो वो target mind में आ गया कि ये added pressure आ गया मेरे ऊपर and I have to do it. See, पहले तो it was all about Chakuri trying to torture the kids, उसको रास्ते से हटाने का, you know, क्योंकि मुझे उम्मीद चाहिए. अभी तो बच्चे बड़े हो गए ना, अभी तो मेरे टक्कर के हैं, तो अभी और ज्यादा ड्रामा है क्योंकि वो बच्चे नहीं रहे, अभी वो बड़े हो चुके हैं. एंड शिवराज तो बहुत भारी पड़ भी रहा है मुझ पर, ही इज इक्वल टू मी नाउ. So a lot more drama and crazy things gonna happen. Thank you. आप लोगों ने गुड्डन के बाद मेरा ये दूसरा शो था रक्षाबंधन, आपने उतना ही प्यार, बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा ही प्यार मुझे मिल रहा है रक्षाबंधन में. And I just feel really blessed and lucky कि आप लोग मुझे इतना support करते हैं और मेरे शो को इतना प्यार करते हैं. And I hope to never disappoint you. Thank you so much. Okay fans, thank you so much for liking our show. आप जब शो देखते हो हमें बहुत encouragement मिलती है कि चलो शो अच्छा करा, और हमें और 100% और देने का मन करता है. क्या है ना, एवरी डे जब आप 12 घंटे काम करो तो लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है. कभी कभी ये लगता है कि यार हमें छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन हमारा एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि आपके लिए ये शो हो रहा है, हमें आना पड़ेगा, आप इंजॉय कर रहे हो इसलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस एंड लाइकिंग आवर वर्क, एंड वील ट्राई एंड डू आर बेस्ट ऑलवेज़.